स्टूडेंट्स वेलकम टू राज ट्यूटोरियल एकेडमी। हम लोग यहां पर नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8.4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसका फिफ्थ क्वेश्चन का यहां पर जो हमने पार्ट लिया है वो फोर्थ पार्ट है। इसके पहले लेक्चर में हम लोग थर्ड पार्ट तक पढ़ चुके हैं, ये फोर्थ पार्ट है। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, हमें गिवन है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। ये हमें प्रूव करना, ये लेके चलना, ये प्रूव करना। तो आप क्या करेंगे LHS को, आप क्या करिए, अगर आपको ज्यादा दिक्कत जाए LHS को ले लीजिए, LHS को सेपरेटली सॉल्व कर दीजिए, RHS को ले लीजिए, RHS को सेपरेटली सॉल्व कर दीजिए। फिर देखिए कैसे होता है, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। तो हमने LHS लिया, क्या आएगा LHS 1 प्लस sec a अपॉन sec a, ये हमने LHS ले लिया, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, वैल्यू होगी 1 प्लस sec a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, sec a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, तो इसको लिख दिया हमने 1 अपॉन cos a, और अपॉन में sec a चल रहा है इसको भी लिख दो 1 अपॉन cos a। यहाँ पे 1 मान लें, 1 के अपॉन में 1 मान लें क्योंकि आपको LCM लेना है, तो आप LCM ले लीजिए। देखिए जब LCM लेंगे आप नॉमिनेटर में तो वैल्यू देखिए कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, आपने LCM लिया cos a तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे देखो cos a और प्लस के हो जाएगा 1 अपॉन cos a, ये वैल्यू चल रही है। इसके बाद पर देखेंगे जब हम, तो फोर्थ वैल्यू देखिए यहाँ पर टर्म जो गिवन है आपको, वो टर्म जो गिवन है आपको वो कौन सा गिवन है, आपने पढ़ा था a अपॉन b के होल अपॉन c अपॉन d, तो a में मल्टीप्लाई होगा d का और c में मल्टीप्लाई होगा b का, मतलब a में d का मल्टीप्लाई हो जाएगा और b में c का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए तो क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगी cos a प्लस 1 इनटू, या डायरेक्ट इसको काट दें आप, डायरेक्ट यही काट देना, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म कट जाता है, सेकंड टर्म ये फोर्थ टर्म है, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। देखो फिर वैल्यू जो बची है वो 1 प्लस cos a बची है, मतलब यहां पे वैल्यू क्या बची है 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a। अब देखो हम RHS ले लेते हैं, इस तरह से RHS को सॉल्व करेंगे तो RHS की वैल्यू भी इतनी आ जाना चाहिए, तो RHS की वैल्यू भी अगर सेम आ जाती है तो हमें सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। देखो RHS लिया हमने, RHS इक्वल टू, RHS क्या लिया, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, ये RHS लिया है। अब देखो RHS को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर a को हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता, 1 होता, तो उस तरह को हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो इस कैसे लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर a प्लस के कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं आप इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, इसके हम वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी देखो साइन स्क्वायर a के प्लेस पे आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। अब ऊपर नॉमिनेटर में आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप वहां पे नॉमिनेटर में आइडेंटिटी लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर हमने वैल्यू रखी साइन स्क्वायर ए की 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, देखिए क्या पढ़ी आपने, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये लिख दिया आपने, अपॉन में वैल्यू चल रही है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बची हुई है 1 प्लस कॉस ए, तो आप यहां से देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, LHS की वैल्यू भी थी 1 प्लस कॉस ए, RHS की वैल्यू भी है 1 प्लस कॉस ए, इस तरह से दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम, तो दोनों तरह से ही एक क्वेश्चन को हम लोग मतलब सेपरेटली आप LHS को सॉल्व कर दीजिए और RHS को सॉल्व कर दीजिए, तो LHS की जो वैल्यू आएगी RHS की जो वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर से इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन जो आपको गिवन था 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, तो वैल्यू LHS आपने लिया, LHS है 1 प्लस sec a अपॉन sec a। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको sin cos में आप चेंज कर देंगे, sin cos में जब आप चेंज करेंगे तो हमने 1 प्लस sec a को लिख दिया 1 अपॉन cos a और अपॉन इसको sec a को लिख दिया 1 अपॉन cos a,
पर यहाँ पे डोमिनेटर में आप एलसीएम लेंगे, कॉस ए आपने एलसीएम ले लिया तो वैल्यू हो जाएगी कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस वन अपॉन में बन सेकी को लिख दिया वन अपॉन कॉस ए, पर जब आप उससे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए एलसीएम आ गया तो वैल्यू हो जाएगी कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए और वन अपॉन में चल रहा है कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, फोर्थ सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी तो वैल्यू बचेगी वन प्लस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए बच जाएगा, मतलब यही हो गया वन प्लस कॉस ए। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे सेपरेटली आरएचएस को सॉल्व करेंगे, तो आरएचएस हमने लिया साइन स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर को हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन होता, साइन स्क्वायर को लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर तो वैल्यू होगी वन माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस ए। अब हम जानते हैं कि वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए, अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी क्या है वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, तो वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया वैल्यू बची है वन प्लस कॉस ए, तो इस तरह से एल एच एस और आर एच एस की वैल्यू क्या होगी सेम। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि एल एच एस को सॉल्व कर दीजिए जो भी वैल्यू आए आर एच एस को भी सॉल्व कर दीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आ जाना चाहिए, एल एच एस और आर एच एस की वैल्यू क्या आ जाना चाहिए सेम, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए इस तरह से हमने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू ये एलएचएस है, आरएचएस आपको प्रूव करना कॉस ए की प्लस 14, ये आपको आरएचएस प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले क्या एलएचएस आप ले लीजिए, एलएचएस आपने ले लिया कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और अपॉन वैल्यू चल रही है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये वैल्यू चल रही है। अब देखिए इसमें एक ट्रिक है, इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान रखना एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपको साइन थीटा से डिवाइड करना है या साइन ए से डिवाइड करना है नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन ये ट्रिक है, इस नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले साइन आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए, तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो देखो वैल्यू क्या होगी, यही डिवाइड कर देता हूं मैं, ये देखो इसके अपॉन में भी साइन ए कर दिया और डिनोमिनेटर के अपॉन में भी साइन ए कर दिया, अब देखो क्या होगा वैल्यू क्या होगी सेपरेटली लिखता हूँ, देखो क्या होगी वैल्यू कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया माइनस के साइन ए अपॉन साइन ए हो गया साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस के वन अपॉन साइन ए, अपॉन में जो वैल्यू चल रही है वो ये है कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस के साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, देखो तो वैल्यू क्या होगी कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होगा कॉस ए अपॉन साइन ए, हाँ अब इसमें आप एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए होता है, ये हो गया कॉट ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया माइनस वन बचा, वन अपॉन साइन ए को आप लिख दीजिए कॉस ए के, हमने कॉस ए के लिख दिया अपॉन, अपॉन में जो वैल्यू चल रही है देखो अपॉन में क्या वैल्यू चल रही है, नेक्स्ट स्टेप है अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए, कॉट ए हो गया और साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा वन और वन माइनस वन अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉस ए के। अब हम क्या करेंगे इनको इस तरह से लिख लीजिए, देखो कैसे लिखोगे सबसे पहले लिख लिया हमने कॉट ए प्लस के कॉस ए के, इनको एक साथ लिख लिया वैल्यू वैल्यू को और माइनस वन अपॉन इनको भी एक साथ लिख लीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस के वन। अब देखो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, आप या तो डोमिनेटर में लगाएंगे आइडेंटिटी या डिनोमिनेटर, पहले यहां तक समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू प्रूव करना है कॉस ए के प्लस कॉट ए, ये आपको प्रूव करना। तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले एलएचएस आपने लिया, एलएचएस लेंगे तो एलएचएस में वैल्यू है कॉस ए के मतलब कॉस ए प्लस माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। इसमें ट्रिक क्या है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको डिवाइड करना है साइन ए से, तो नॉमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया साइन ए से, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया साइन ए के साइन ए से, आप लिख सकते हैं मल्टे डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई साइन ए, अपने इंडिविजुअली अपन डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ए अपॉन साइन ए, सेकंड वैल्यू कॉस ए अपॉन साइन ए सेकंड हो जाएगी साइन ए अपॉन साइन ए, साइन जो है वही रहेंगे और वन अपॉन साइन ए, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। अब देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, साइन ए से साइन ए कैंसिल माइनस वन बचा,
वन अपॉन साइन ए कॉस ए होता, कॉस ए लिख दिया, अपॉन में वैल्यू चल रही है कॉस ए के, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए वन हो जाएगा, माइनस वन अपॉन साइन ए को कॉस ए लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस के कॉस ए माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस वन। अब हम क्या इनको एक साथ लिख लिया, अब हमें आइडेंटिटी ये लगानी है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर इक्वल टू वन, आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर इक्वल टू वन, तो देखिए कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर इक्वल टू वन, तो वन के प्लेस पे हम वो लिख देते हैं कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेक्स्ट लाइन में वैल्यू होगी, या फिर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख रहा होगा, देखो यहाँ लिखेंगे एल एच एस आपका चल रहा है, तो देखो हमारी वैल्यू चल रही है कॉट ए और प्लस के कॉस ए की सेम रहने दिया माइनस यहाँ वन के प्लेस पे, देखो वन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉस ए स्क्वायर, हमने ये आइडेंटिटी लिखी हुई थी यहाँ पर, दो कॉस ए स्क्वायर माइनस कॉट ए स्क्वायर इक्वल टू वन, ये वाली यूज करना है, क्लियर अप कर देते हैं, कॉस ए स्क्वायर माइनस कॉट ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है वन, ये आपको लिखना है, तो यहाँ लिख देते हैं, तो वन के प्लेस पे लिख रहा हूँ मैं, वन के प्लेस मैंने लिख दिया कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में जो वैल्यू चल रही है, वैल्यू यहाँ पर है कॉट ए माइनस के कॉस ए और प्लस वन को लिख दो आप कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये वैल्यू चल रही है, ये आइडेंटिटी ध्यान रखना आपको, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको, तो देखो वैल्यू क्या है, अब यहाँ जो ब्रैकेट में वैल्यू है कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, आप आइडेंटिटी लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो देखो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हो जाएगी कॉट ए प्लस के कॉस ए माइनस, देखो इसको लिखूं मैं दो बार लिख दूंगा, एक हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉट ए इंटू कॉस ए माइनस कॉट ए, प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अपॉन में जो वैल्यू चल रही है सेम, नहीं अपॉन में जो वैल्यू चल रही है इसको चेंज ना करो, केवल नॉमिनेटर को ही चेंज करो, इसमें नहीं तो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, आप ध्यान रखना अपॉन में जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं करना, एक को कर दो किसी को, या तो नॉमिनेटर को या डिनोमिनेटर को, बाकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो जो वैल्यू चल रही है अपॉन में सेम है कॉट ए माइनस के कॉस ए और प्लस वन, वैल्यू हो जाएगी कॉट ए प्लस कॉस ए, हमने कॉमन ले लिया, आपने लिया ये वैल्यू कॉमन, तो देखो यहाँ से क्या बचेगा वन, यहाँ से बचा वन, यहाँ से वन बचा और यहाँ से कॉमन चला गया, तो वैल्यू क्या बचेगी देखो माइनस में कॉस ए माइनस के कॉट ए, माइनस साइन है ध्यान रखना है ना, और अपॉन में जो वैल्यू चल रही है वो लिख लेते हैं, अपॉन में वैल्यू चल रही है कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस के वन, ये चल रही है वैल्यू इक्वल टू कॉट ए प्लस के कॉस ए इंटू, ये वैल्यू चल रही है देखो ब्रैकेट ओपन करो तो वन माइनस कॉस ए प्लस के कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस के कॉस ए प्लस वन, देखो अब ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर ये पूरा कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बची उसको लिख लो, वैल्यू बची है कॉट ए प्लस के कॉस ए के, यही आपको प्रूव करना होगा, चेक कर लीजिए, हाँ यही आपको प्रूव करना था, चेक कर लिख लीजिए आर एच एस, यही आपको इस तरह से प्रूव करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया, सीबीएसई में तो आती रहता है कंटिन्यू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, सिक्स क्वेश्चन है अंडर रूट में वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, आपको प्रूव करना है sec प्लस tan ए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। देखिए इसको करना क्या है, एल एच एस ले लीजिए आप, एल एच एस लेते हैं हम, तो एल एच एस आपने लिया एल एच एस इक्वल टू कितना है एल एच एस में अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, ये चल रहा है, तो इसमें देखो करना क्या है आपको रेशनलाइज करना है, इसमें बस ये ध्यान रखना है रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज कैसे करेंगे ये देखिए अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते थे आप, आपने पढ़ा था इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो वन प्लस साइन ए इंटू अपॉन वन माइनस साइन ए चल रहा है, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करना मतलब वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, सेम वैल्यू का इंटू और सेम वैल्यू का डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने सेम वैल्यू से वन प्लस
साइन, इसके अपोजिट साइन से, ये वन माइनस साइन है, ऊपर जाके वन प्लस साइन है। तो देखो नॉमिनेटर में वैल्यू क्या होगी, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू चल रही है रूट पूरा लगाना है, डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, आपने पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया। अब चूंकि आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर ए, तो हमने वन माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, तो देखो वैल्यू क्या होगी, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। अब देखो रूट से जब बाहर आएंगे तो दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी वन प्लस साइन ए, और ये वैल्यू बचेगी कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए था तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों के हट गए, यहाँ पे होल स्क्वायर था तो इसका हट गया, और यहाँ पे होल स्क्वायर था तो ये भी हट गया। अब आप इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए अलग से, तो डिवाइड करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी, एनएचएस चल रहा है अपना, वैल्यू हो जाएगी वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू, देखो वन में भी डिवाइड कर दो कॉस ए का तो वन अपॉन कॉस ए, प्लस साइन ए में भी आप डिवाइड करेंगे कॉस ए का तो साइन ए अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, यही आपको प्रूव करना था, इक्वल टू लिख देना आर एच एस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और इसके आने की संभावना भी हर बार ज्यादा रहती है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज आप जैसे करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको प्रूफ करना है, ये 2018 में भी पूछा गया, सीबीएसई में 2017 में भी पूछा गया, और इसके पहले भी कई बार पूछा गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप एलएचएस दे दीजिए सिंपल सा, एलएचएस हमने लिया, एलएचएस में क्या है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये लिया एलसीएम। अब आप देखिए कॉमन क्या आ रहा, नॉमिनेटर में कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर में कॉमन ले लीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो आप देखिए नॉमिनेटर में आपने कॉमन क्या लिया, आप देखेंगे नॉमिनेटर में साइन थीटा कॉमन आ रहा, तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया तो बन बचा, यहाँ से बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जो वैल्यू है यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो वैल्यू बचेगी आगे टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था तो टू बचा और क्यूब था तो स्क्वायर बचा, माइनस के यहाँ से वन बचा, कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो हो गया है टेन थीटा, चलो इसको टेन थीटा लिख दिया। अब या तो नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में किसी एक की वैल्यू को चेंज कर दीजिए, तो हम क्या करते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया, अपॉन में जो वैल्यू उसको सेम रहने दो, वैल्यू चल रही है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये चल रही है। ये क्यों लिखा आपने इसको, ऐसे आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने, तो आपने साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो टू का मल्टीप्लाई आपको करना है तो वैल्यू होगी टेन थीटा इंटू वन माइनस टू का मल्टीप्लाई टू में, वन में होगा तो माइनस टू, और माइनस टू का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में होगा तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के टू कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, इक्वल टू टेन थीटा ऑलरेडी चल रहा है, टेन थीटा चल रहा, देखो टू माइनस के वन माइनस के टू, तो वैल्यू कैसे लिख लो, टू कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लिया, टू कॉस स्क्वायर थीटा को जो कर दिए टू माइनस के प्लस के वन, तो माइनस वन बचेगा, माइनस वन अपॉन वैल्यू चल रही है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, देखो इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, वैल्यू क्या बची है टेन थीटा, तो इस तरह से इक्वल टू आर एच एस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है सीबीएसई में, ये भी आप अच्छे से लगाएं। ओके थैंक यू।